जा रही हूँ। जानती हूँ वक्त पूरा हो चुका है, जो करने आई थी वो काम पूरा हो चुका है, पर उन बातों का क्या करूँ जो यहाँ से जाने के बाद जहन को मेरे तंग करेंगी। इतना हक भी तो नहीं कि आपसे रुक जाने की दरखास्त कर सकूं। पर क्या जाने से पहले दरवाजे से ही इतना कह सकती हूं कि चांद आपसी शक्लें बनाता है, रातों को आके मुझे बहुत हंसाता है। किताब में आपकी एक तस्वीर सिली पड़ी है, अम्मी से छुपा रखी है, रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में देख लेती हूँ, उसमें अपनी शक्ल ढूंढ लेती हूँ। और फोन पे आपका नंबर अव्वल रखा है, नाम लेकिन आलिया रखा है, अम्मी देखती तो क्या कहती, बेवकूफ या खबरदार लड़की। कई बार संदेश से लिख के आपको मिटा देती हूँ, भेजने की हिम्मत जागती है, बेवकूफी की आड़ में सुला देती हूँ। और एक बात, रात को ख्वाबों में आप आते हो, उस रोज कई घंटों तक मुझे सोता ताक रहे थे बगल में बैठ के, सुबह हुई आँख खुली तो कोई नहीं था। ऐसी सुबह में सूरज को ताक के आंसू सुखा लेती हूँ। जा रही हूँ, जानती हूँ, देखो एक कदम दरवाजे के बाहर है मेरा, पर रुक कहो तो रुक सकती हूँ, कुछ और बातें कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, जाती हूँ। जानती हूँ आपकी बीवी आती होगी, आपकी बेटी को स्कूल से लाती होगी, क्या बताओगे उसको मैं आई थी? नहीं, रहने देना, कम से कम वो तो खुश रहे। खुश तो होगी ना वो कि आप अपनी पहली बीवी से राब्ता रखते नहीं। मैं भी किस हक से आपको ये सब पूछ रही हूं? मैं तो आपकी बेटी भी नहीं, बेटी तो आपकी कोई दूसरी है जो स्कूल से अभी आती होगी। जानती हूं, जा रही हूं, चिल्लाने की जरूरत नहीं, जो कहने आई थी वो तो कह चुकी, बस फिर से याद दिला रही हूं, वक्त पे आना अब्बू। जी तो गई मां आपके बगैर, पर कल रात आखिरी सांसें लेते हुए कह गई है मुझसे, खबरदार लड़की, मेरा जनाजा तेरे अब्बू बिना उठ ना पाए।